मैं दोबारा वही रॉकेट प्रोपल्शन केस बताता हूं, हल्की सी कंडीशन को बदलूंगा। वंस अगेन इनिशियली रॉकेट एट रेस्ट एंड मास एम नॉट, इनिशियली रॉकेट रेस्ट पर है, मास एम नॉट है। एंड मास इजेक्टेड एट अ कॉन्स्टेंट रेट म्यू एंड कॉन्स्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी यू। मास इज इजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट रेट म्यू, दैट इज माइनस डीएम बाय डीटी विथ कॉन्स्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी यू। रिलेटिव वेलोसिटी है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। अब पहले मैंने दिया था इफ ग्रेविटी फ्री स्पेस, इस बार मैं दे रहा हूं, वह कंडीशन बदल देता हूं। इफ कॉन्स्टेंट ग्रेविटी जी, इफ कॉन्स्टेंट ग्रेविटी जी, इन दैट केस व्हाट वुड बी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन इट्स मास इज एम, और व्हाट वुड बी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी। दिस इज अ रॉकेट, इस रॉकेट के अंदर सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड स्टेट में ऑक्सीजन होती है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड स्टेट में ऑक्सीजन होती है, सॉलिड फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बर्न होता है, बर्न होने के बाद एकदम से ढेर सारा वॉल्यूम हो जाता है और बर्नड गैसेस इजेक्ट होती है, हाई रिलेटिव वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होती है, रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ होती है, और जब वह गैसेस हाई रिलेटिव वेलोसिटी से नीचे की तरफ इजेक्ट होती है तो यह रॉकेट को ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलता है और यह रॉकेट ऊपर की तरफ मूव होने लगता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। रॉकेट की वेलोसिटी किस तरह से बढ़ती है, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा सीखा, वहां पर हमने कंडीशन ले ली थी इफ ग्रेविटी फ्री स्पेस। इस बार मैंने उस कंडीशन, उस अजम्पशन को हटा दिया। अब मैंने जो कंडीशन ले ली है इफ कॉन्स्टेंट ग्रेविटी जी, कॉन्स्टेंट ग्रेविटी जी के अगेंस्ट यदि यह रॉकेट ऊपर जा रहा है तो जैसे जैसे यह रॉकेट ऊपर जाएगा इसका मास चेंज होता जाएगा, किसी भी मास एम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टी पर इस रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी। क्या इस सिचुएशन को इसी समय सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? तीन से चार मिनट का समय सोचने का मैं आपको दूंगा, तीन चार मिनट के बाद में मैं बताना चालू करूंगा, पहले आप एक बार सोचिए कि आप क्या करोगे। लेट मी एक्सप्लेन यू द सिचुएशन वंस अगेन। इट्स अ मास वेरिएबल सिस्टम, मास वेरिएबल सिस्टम में एप्लीकेबल इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, इट्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग मास सिस्टम, और इस कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग मास सिस्टम में एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमने लिखा कि है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी प्लस यू रिलेटिव डीएम बाय डीटी। हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, जनरलाइज इक्वेशन हमने रट ली है। अब एक बात देखो,
मास कांस्टेंट रहता है तो अपने आप इस चीज को हम जीरो कर देते हैं और इक्वेशन रिड्यूसेस टू एफ एक्सटर्नल एम डीवी बाई डी टी और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। ये सिचुएशन हम हमेशा से देखते चले हैं। न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन में हमेशा हम यही लिखते थे क्योंकि वहां पर मास सचमुच में कांस्टेंट रहता था, डीएम बाई डी टी जीरो रहता था। अब हम जब आगे आ चुके हैं, मास वेरिएबल सिस्टम स्टडी करने लगे हैं, तो एक नई टर्म ऐड हो गई है। हम इस टर्म के इफेक्ट को भी देखने लगे और सोचने लगे कि मास जब चेंज होता है तो उससे थ्रस्ट पर क्या असर पड़ता है, कैसे इक्वेशन बनती है। अब एक और बात, हमारे दिमाग में बार बार सवाल होता है कि डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन, हम इस डीवी बाई डी टी की जगह एक्सीलरेशन क्यों नहीं लिख देते। डेफिनेटली डीवी बाई डी टी इज एक्सीलरेशन, और इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए प्लस यू रिलेटिव डीएम बाई डी टी। बट हमें निकालना है वेलोसिटी। हमने डीवी बाई डी टी को यदि एक्सीलरेशन लिख दिया तो हमने वेलोसिटी टर्म खो दी, और उस वेलोसिटी टर्म को खोने के बाद में फिर उसको सॉल्व करना और फिर उसको ऑब्टेन करना और मुश्किल हो गया, एक और इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। डेफिनेटली इधर एक्सीलरेशन निकाल के भी कोई फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता तब भी वो काम आ जाता क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती। फिर इधर एक्सीलरेशन वेरिएबल है, मास वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, सब कुछ इस तरह से वेरिएबल है कि हम इस डीवी बाई डी टी को खोना नहीं चाहेंगे, इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। इसी से सॉल्व करके हमें वेलोसिटी मिल सकेगी। अब पहले एफ एक्सटर्नल सोचें। ये जो हमारा सिस्टम किसी भी समय पर यदि हम सिस्टम को देखें तो क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? हां, लग रहा है। इस बार कांस्टेंट ग्रेविटी जी है। कांस्टेंट ग्रेविटी जी की वजह से किसी भी समय पर इस सिस्टम पर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जरूर लगेगा। अब वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एम इज मास एट एनी इंस्टेंट, एम जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस एक्सटर्नल फोर्स की जगह में माइनस एम जी लिख देता हूं। एम इज मास एट एनी टाइम, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि यह फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस यू रिलेटिव डीएम बाय डी टी। I'll rewrite this equation in this manner. अब equation लिखने के बाद अगला जो challenge होता है, that is rearrange that equation in a proper manner so that you can comfortably solve it. जो equation आपने लिखी है इसको आप proper manner में rearrange करो जिससे कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अटपटे तरीके से लिखी गई इक्वेशन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाती है, आंसर नहीं आ पाता है। यह हमारा दूसरा चैलेंज होता है कि ध्यान से इक्वेशन को देखा जाना, सोचा जाना कि इस इक्वेशन को कैसे जमाया जाए जिससे कि आसानी से सॉल्व हो सके। देखिए, मैं थ्रू आउट डी टी को तो ऊपर ले जाऊंगा और m को नीचे ले आऊंगा, माइनस g, m नीचे चला गया और dt ऊपर आ गया, ये dt dt g dt इज इक्वल टू m, जब नीचे चला गया तो m माइनस m कैंसल्ड, dv प्लस यू रिलेटिव डी टी ऊपर चला गया है डीएम अपॉन एम।
इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया जाए, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, इसलिए डीवी टर्म एक तरफ रहने दो, बाकी टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लो। डीवी टर्म मैंने इधर ही रहने दी और इस टर्म को इधर ले आया, माइनस यू रिलेटिव डीएम बाय एम माइनस जी डीटी। आई रीअरेंज्ड दिस इक्वेशन इन दिस मैनर। मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं कि यह भी एक चैलेंज होता है, हर एक को समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे रीअरेंज करें। मैंने देखा है 50% जनता तो सिर्फ इसी में उलझी रहती है कि वो इक्वेशन को प्रॉपरली रीअरेंज ही नहीं कर पाती, और चूंकि वो सही से इक्वेशन को नहीं लिख पाई इसलिए सही से सॉल्व करने का उनको तरीका भी नहीं सूझा। आप जब इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज कर दोगे तो आप साफ साफ कहोगे कि अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूं, डीवी इंटीग्रेट होएगा, माइनस यू रिलेटिव कॉन्स्टेंट है डीएम बाय एम इंटीग्रेट होएगा, माइनस जी कॉन्स्टेंट है डीटी इंटीग्रेट होएगा। मैं इस तरफ इंटीग्रेट करता हूं, यू रिलेटिव कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन से बाहर, जी भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ग्रेविटी जी इसलिए इंटीग्रल साइन से बाहर। मैंने पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, आरएसएस भी इंटीग्रेट कर दिया, आरएसएस भी इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसी समय लिमिट्स जरूर आइडेंटिफाई करके लिखते हैं, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। इनिशियली मतलब जीरो टाइम, रॉकेट एट रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी, मास एम नॉट मतलब मास, इनिशियल मास एम नॉट। जीरो टाइम पर रॉकेट की वेलोसिटी जीरो है और उसका मास एम नॉट है, मैं यह कंडीशन लोअर लिमिट के रूप में लिख रहा हूं। डीटी इधर टाइम की लिमिट लिखनी होगी जीरो, लोअर लिमिट ऑफ टाइम। डीएम इधर मास की लिमिट लिखनी होगी, इनिशियल मासेस एम नॉट। डीवी इधर वेलोसिटी की लिमिट लिखनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अब अपर लिमिट एट एनी टाइम टी, मास इज मास रिड्यूसेस टू सम फाइनाइट वैल्यू एम एंड वेलोसिटी बिकम्स वी। इंटीग्रल ऑफ डीवी इज वी फ्रॉम जीरो टू वी। इंटीग्रल ऑफ डीएम बाय एम इज लॉन एम फ्रॉम एम नॉट टू एम। इंटीग्रल ऑफ डीटी इज टी, जी ऐसा कैसे ही, फ्रॉम जीरो टू टी। दैट वी अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस यू रिलेटिव, अपर लिमिट लॉन एम माइनस लोअर लिमिट लॉन एम नॉट माइनस जी, अपर लिमिट टी माइनस सी। वी माइनस जीरो इज वी, माइनस यू रिलेटिव लॉन ऑफ एम अपॉन एम नॉट माइनस जी टी। दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन।
इसमें माइनस साइन को अंदर ले जाकर लॉन ऑफ एम नॉट बाय एम लिख देता हूं। वेलोसिटी इज यू रिलेटिव लॉन ऑफ एम नॉट बाय एम माइनस जी टी। अब मास और टाइम में एक इक्वेशन लिखी जा सकती है, जैसा मैंने इसके पहले प्रॉब्लम में भी करा था। इफ रेट ऑफ मास इजेक्शन म्यू इज कांस्टेंट, तो मास वेरिएशन विद टाइम के लिए वह इक्वेशन लिख दीजिए। And that equation would come out to be m is equal to m naught minus mu t. Or time is equal to m naught minus m upon mu. इसी इक्वेशन से एम नॉट माइनस एम रीअरेंज करके अब आप इस वेलोसिटी को पूरी तरह से मास के टर्म में भी लिख सकते हैं और पूरी तरह से चाहे तो टाइम के टर्म में भी लिख सकते हैं। मैं यह प्रॉब्लम साफ कर देता हूं और डिजायर्ड आंसर लिख देता हूं। Velocity in terms of mass may be written as u relative ln of m naught by m minus g, और t की जगह मैं लिखूंगा m naught minus m upon mu. This is velocity in terms of mass. Or velocity in terms of time would be u relative into ln of m naught, or m ki jagah m naught minus mu t. Minus gt. This is velocity in terms of time. बेसिकली यह आंसर है, बेसिकली आंसर इधर आ चुका है, मगर जो हमने पूछा था वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास ओनली और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम ओनली, उसके लिए हमने आगे यह काम करा कि मास और टाइम को पहले रिलेट कर दिया। इस इक्वेशन को जैसे हमने पिछले सिचुएशन में सॉल्व करी थी, या तो ऐसे लिख देंगे कि टाइम के टर्म में एम नॉट माइनस एम अपॉन म्यू, यह टाइम हो गया। अब या तो आप टाइम की जगह यह इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, या आप मास की जगह यह इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको यह दोनों एक्सप्रेशन दिखने लगेंगे। इसमें आपको वेलोसिटी दिख रहा है पूरी तरह से मास m के टर्म्स में, टाइम दिख ही नहीं रहा, और इसमें आपको वेलोसिटी दिखा है टाइम के टर्म्स में, मास नहीं दिख रहा। बेसिकली आपको इस इक्वेशन को देखना है, इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करा गया यह समझना है, कैसे रीअरेंज करा गया यह समझना है, कैसे इंटीग्रेट करा गया यह देखना है, कैसे लिमिट्स अप्लाई करी यह देखना है, और यह बात समझ जाइए कि कंटिन्यूअस मास वेरिएबल सिस्टम में जनरली इंटीग्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखा था, जहां डिस्क्रीट मास सिस्टम था वहां इंटीग्रेट नहीं करते थे, मगर जहां कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता था
तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता था। वही चीज हमें इधर भी दिख रही है कि हम इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से इक्वेशन आने के बाद जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन आती है उसमें बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉग, क्वाड्रेटिक, इन सबको अप्लाई हम समय समय पर करते रहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके कंसेप्ट लगाते रहेंगे। फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं पढ़ी जा सकती। मैथमेटिक्स का बेसिक आइडिया, मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज, अलग अलग चैप्टर्स का नॉलेज फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगता ही है। कभी किसी जगह पर हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ता है, कभी किसी जगह पर अलजेब्रा लगाना पड़ता है, कभी किसी जगह पर कोऑर्डिनेट लगाना पड़ता है, कभी डिफरेंशियल कैलकुलस, कभी इंटीग्रल कैलकुलस। फिजिक्स सीखने समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आना जरूरी है, और मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट, ऑल्दो अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं होती है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है। हमेशा कहते हैं कि मैथमेटिक्स में तो खूब सारा समय दो, उसको खूब प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स पर कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। जितना अधिक समय मिलता है उतना अधिक समय मैथ्स में दो, तो अपने आप फिजिक्स में जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा द कंसेप्ट ऑफ कोलिजंस। The concept of collision. Collision में भी सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा टू बॉडी हेड ऑन collision. टू बॉडी हेड ऑन कोलिजन। टू बॉडी का मतलब तो क्वाइट क्लियर है कि दो बॉडी टकराएंगी। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन का क्या मतलब है? क्या दोनों बॉडी सर से टकराएंगी, एक दूसरे के सर को दे मारेंगी? ऐसा नहीं है। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब समझो, हेड ऑन कोलिजन मीन्स the relative velocity must be, their relative velocity must be along the line joining their center of masses. Head on collision का मतलब होता है their relative velocity must be along the line joining their center of masses. This is the meaning of head on collision. मैं कुछ situations बताता हूं। यह mass m1 है और यह मास M2 है। यह दोनों के सेंटर ऑफ मासेस है और दोनों के सेंटर ऑफ मासेस को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन भी दिखा रखी है। अब मैं हेड ऑन कोलिजन के अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग केसेस को बताता हूं। पहला केस बिल्कुल सीधा सीधा, आप सभी
इसको तो निश्चित हेड-ऑन कोलिजन कहोगे, बॉडी M1 V1 वेलोसिटी से इस तरफ और बॉडी M2 V2 वेलोसिटी से इस तरफ, डेफिनेटली दिस इज हेड-ऑन कोलिजन, सीधा सीधा टकरा रही है। Their relative velocity is along the line joining their center of masses. इनकी relative velocity center of masses को जोड़ते हुए एक line imagine कीजिए, उसी के along है। Mass M1, mass M2. लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस दिख रहा है। अब V1 वेलोसिटी इस तरफ लाइक दिस, V2 वेलोसिटी इस तरफ लाइक दिस, V1 वेलोसिटी V2 वेलोसिटी and both the velocity are collinear with the line joining center of masses. Body 1 is following body 2 and its velocity is larger than body 2. Body 1 would approach body 2, piche se jaake takraegi usko, and their relative velocity are along the line joining center of masses. This would be called head-on collision. Or even like this, even like this, कि body 2 v2 velocity से और body 1 v1 velocity से, ये भी on collision हुआ। भैया इधर जा रहा है body 2 कुछ ज्यादा velocity से और body 1 कुछ कम velocity से, relative velocity along the line joining center of masses. हेड-ऑन कोलिजन क्या नहीं होगा वो बताता हूं। मास M1 V1 वेलोसिटी से इस तरफ, मास M2 V2 वेलोसिटी से इस तरफ, और ये टकराते, वे टकराते। मास M1 तो ऐसे जा रहा है, मास M2 ऐसे जा रहा है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर है। इन दिस केस रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास, दिस इज नॉट हेड ऑन कोलिजन। वी विल कॉल इट कोलिजन बट नॉट हेड ऑन कोलिजन। हम इसे कोलिजन तो कहेंगे, ठीक है, टकरा रहे हैं, टकराएंगे अभी, टकराने को टकरा रहे हैं बस, ये कोलिजन है, मगर यह हेड ऑन कोलिजन नहीं कहलाएगा। मैं हेड ऑन कोलिजन की एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूं। इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना। वेलोसिटी वोंट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस बट रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास। कैसे, देखिए, मास M1 इधर है और मास M2 इधर है। दोनों मासेस का लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस दिया हुआ है, दोनों मासेस का लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस दिया हुआ है। अब मैं दोनों की वेलोसिटी इंडिकेट करता हूं। अरे जरा येलो चौक दो फटाफट। दोनों मासेस के लिए मैं वेलोसिटी इंडिकेट करता हूं। वेलोसिटी वुड नॉट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस। दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो इट वोंट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस। इस तरह से है, यह है वेलोसिटी V1 and
velocity v2 is like this. अब इस केस में क्या होगा, मैं v1 वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूं एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास. अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास जो कंपोनेंट है यह v1x और परपेंडिकुलर जो हो गया यह हो गया v1y. इसी तरह से वेलोसिटी v2 को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं. v2x और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वह v2y. This is, मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व करा है और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक कंपोनेंट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास. अब जरा देखिए, मैं वेलोसिटी v1 लिख सकता हूं, ये जो वेलोसिटी v1 है और वेलोसिटी v2 है, इसे लिखा जा सकता है v1x I cap plus v2y j cap. This is velocity v1. I cap is unit vector along line joining center of mass. J cap is unit vector perpendicular to line joining. Or v2 mein likh sakta hun. v2x I cap plus v2y j cap. इस तरह से v2 लिखा जा सकता है. अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखता हूं. रिलेटिव वेलोसिटी होएगा v1 माइनस v2. रिलेटिव वेलोसिटी इज v1 माइनस v2. इट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू. v1 माइनस v2, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये हो जाएगा v1x माइनस v2x i कैप प्लस v1y v1y माइनस वी टू वाई जे कैप. अब जरा समझिएगा बड़े ध्यान से, यदि वी वन वाई और वी टू वाई बराबर हो जाए, वी वन वाई और वी टू वाई यदि बराबर हो जाए, इफ वी वन वाई इक्वल टू वी टू वाई, if v1y और v2y बराबर, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों बराबर हो जाएं, तो यह टर्म जीरो हो जाएगी. दिस टर्म वुड बिकम जीरो, j कैप टर्म वुड बिकम जीरो. और जरा देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन दैट केस. रिलेटिव वेलोसिटी वुड बिकम वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स इन टू आई कैप. रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास. इन दैट केस इट्स हेड ऑन कोलिजन. इट्स
हेड ऑन कोलिजन दैन। इस केस में वह हेड ऑन कोलिजन कहलाएगा। दोनों की वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मासेस नहीं थी, v1 भी किसी और डायरेक्शन में है, v2 भी किसी और डायरेक्शन में, मगर जब हमने दोनों को रिजॉल्व करा, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग लिया, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग लिया, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर आ गए। और जब रिलेटिव वेलोसिटी देखा, रिलेटिव वेलोसिटी मींस v1 माइनस v2, उसके लिए जब इक्वेशन लिखी, और यह दोनों चीज यदि बराबर हो जाए, यदि यह कंसेप्ट होल्ड कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों के लिए बराबर हो जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग हो जाएगी। इन दैट केस इट वुड बी कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ मासेस। मैं सबसे पहले टू बॉडी हेड ऑन कोलिजन ही समझाऊंगा। टू बॉडी हेड ऑन कोलिजन हम बड़े डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, और इसे डिटेल में सीखने समझने के बाद फिर हम अलग अलग केसेस, अलग अलग कंडीशंस को भी समझेंगे जहां कोलिजन हेड ऑन नहीं होता है। हाँ, शीट नंबर कौन सी है एक बार दिखा दो, शीट नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी बच्चों में। शीट नंबर 2 सॉल्व करना चालू कर देना है। 1, 2 के बाद में जैसा मैंने कहा है कि 5-6 शीट दूंगा मैं कुल मिला के, और धीरे धीरे ग्रेजुअली लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है, इस आधार पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू कर दो। मैं मेरे परसों के लेक्चर में पहले टू बॉडी हेड ऑन कोलिजन समझाऊंगा, कोलिजन्स के अलग अलग टाइप समझाऊंगा, और ग्रेजुअली चैप्टर धीरे धीरे करके डेवलप होता जाएगा। एनीवे, स्टार्ट सॉल्विंग द शीट। पहली और दूसरी शीट बेसिक लेवल पर है, तीसरी शीट में थोड़ा लेवल बढ़ेगा, चौथी शीट में और भी लेवल बढ़ेगा, और फिफ्थ और सिक्स्थ शीट तक आते आते हम अल्टीमेट जेई और ओलंपियाड लेवल को टच कर लेंगे। आज